एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेस के ऊपर, एक्सकवेशन एक्सेस। ठीक है, हमारा भी एक्सकवेशन टॉपिक चल रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का है, तो उसमें एक्सेस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि हम जब भी एक्सकवेशन साइट पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें सेफ एक्सेस कैसे बनाएं। सेफ़ एक्सेस अगर होगी तभी तो हम वहाँ से सेफली आ जा पाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस में हमें दोबारा आना जाना ही ना पड़े, हमें वहाँ पे काम रहेंगे बहुत सारे तो हमें आना जाना तो पड़ेगा। अब उसके लिए हम कैसे एक्सेस बनाएं, ठीक है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, सेफ़ एक्सेस के बारे में। एक्सेस देखिए क्या करना है, जब भी हमारी जो एक्सकवेशन की डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो हमें एक सेफ मीन एक्सेस बनाना होगा जो कि प्रॉपरली और सिक्योर रहे और जिस पे कि हम लैडर भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर जाना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है तो हम कैसे जाएंगे, लैडर के थ्रू ही तो जाएंगे, लैडर की हेल्प से तो जाएंगे। तो हमें जो एक्सेस बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि हमारी जो लैडर है वो सेफ रहे। ठीक है, ऊपर जाना है वापस नीचे आना है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हम किसके एक्सकवेशन साइट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें पूरे प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। हमें सेफ्टी कॉशंस लगाना है, हमें सेफ्टी पीपीस पहननी है, हमें खुद को सेफ तो रखना ही है, साथ में जो भी हमारे इंस्पेक्शन करे जा रहे हैं, इंस्पेक्शन के दौरान जो भी हज़ार्ड हमने सामने देख पा रहे हैं उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, उनको भी हमें चेक करना है कि हमारे साथ कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई हज़ार्ड जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट अब भी हो जाए। ठीक है, हज़ार्ड्स कैसे चेक करेंगे आप, तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था जो कि अभी इसी का पार्ट चल रहा है तो इसी में आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया कि कैसे आप हज़ार्ड्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने हज़ार्ड जान लिया तो हज़ार्ड जब जान लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेस बनाएंगे। अब आपको हज़ार्ड पता है तो आपको ये भी पता है कि उस वर्क को करने के लिए कितने हद तक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखते हुए अपना काम शुरू करना है और अपने लिए एक्सेस वे एकदम क्लियर बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी असेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, वर्क करते दौरान जो भी असेंशियल चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब सारी वहाँ अवेलेबल होने से क्या मतलब है कि आपको बार बार किसी और जगह पर जाके सामान को इकट्ठा नहीं करना होगा, है ना। पूरा सामान आपको एक ही जगह रहेगा तो आपको बार बार एंटर और एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, तो इससे भी आपको सेफ बहुत हद तक सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, अब आप ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं, किसी भी जगह पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अपना जो भी काम करने के लिए जो भी प्लेस बनानी है वो आप उतनी यूनिक तो बनाएंगे ना, उतनी अच्छे से तो बनाएंगे ना कि आप ऊपर जाना चाहें नीचे आना चाहें कोई भी काम करना चाहें तो सेफली कर पाएँ। अब देखिए इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि दो बंदे खड़े हुए हैं पर उनने किस तरीके से अपना एक्सेस वे बना रखा है। एक्सेस वे भी दिख रहा है, वर्क करने के लिए प्लेस भी उनने उतनी बना रखी है, सफिशेंट स्पेस बना रखी है कि इतने से इतने उस एरिया में वो वर्क कर पाएँ। ठीक है, बाकी का आसपास का एरिया कैसे उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है पर उनने अपने काम करने का तरीका बिल्कुल अच्छे से बना के रखा है। साथ में यहाँ पे सेफ्टी कॉशंस नहीं शो हो रहे हैं पर ये भी आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें वर्क करना है कि हमारे जो भी होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनका लेवल कम हो, वो डिक्रीज़ हो जाए, प्लस हम काम भी ठीक से कर पाएँ। तो ये कब होगा, जब हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें भी हमारे पास होंगी। ठीक है, तो इसमें एक ये भी इंस्पेक्शन जब किया जाता है, वैसे तो नोटिस कर लिया जाता है कि ज़रूरी आने वाले कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से सामान हैं जो कि आपको नीड रहेगी, एसेंशियल मटेरियल क्या क्या है वो आपको वहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइटिंग का हम ध्यान रखेंगे। लाइटिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि एक्सकवेशन अगर हो रहा है, एक्सकवेशन एरिया है, एक्सेस पॉइंट है, बैरियर्स लगे, ओपनिंग है, बैरियर्स हैं, पॉइंट है, सारी चीज़ें, तो लाइटनिंग का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उस जगह पर क्योंकि लाइटनिंग होगी। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि अभी दिन में अगर कोई वर्क डे वर्क चल रहा है तो प्रॉपरली हो जाएगा। नाइट वर्क्स भी चलते हैं, जब बड़ी बड़ी साइट रहती है उन पे नाइट कंस्ट्रक्शंस भी चलते हैं, तो जब नाइट में वर्क चल रहा है तब क्या किया जाएगा, तो प्रॉपर लाइटनिंग होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि लेक ऑफ लाइटनिंग की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आप वही काम जो उजाले में कर रहे हैं, वही काम आप अंधेरे में करने जाते हैं तो बहुत सारे काम जो है मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमें उस तरीके के एक्सीडेंट से भी बचना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर लाइटनिंग की अरेंजमेंट करनी होगी। ठीक है,
साथ में हमें क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें देखिए, एक्सेस हम बना रहे हैं तो एक्सेस के हिसाब से ही हमें सारे काम चेक करने होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने दो चीज़ें देख ली यहाँ से, हमने अपना एक्सेस वे क्लियर बना लिया, हमने लाइटनिंग की अरेंजमेंट कर दी। अब हमने जो सीखा था हज़ार्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, वो हज़ार्ड्स तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पर डे इंस्पेक्शन हो रहा है। अब जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें जो अपडेट्स आ रही हैं कि आज ये एक्सीडेंट हो सकता है या ये चीज़ ऐसी ऐसी देखी गई, ऐसी ऐसी हज़ार्डियस सिचुएशन देखी गई जो कि हज़ार्डियस एक्सीडेंट्स बना सकती है, ठीक है। मतलब कंडीशन, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट देखे गए जो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर नहीं आपको समझ आए तो आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के नाम से। बाकी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अनसेफ कंडीशन मतलब जो कि आप, जैसे मान लीजिए आपने खुद कोई कंडीशन निकाली, मतलब उत्पन्न की, क्या किया, जैसे कि मान लीजिए आपने वहाँ, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपने सिगरेट पिया और नीचे ग्राउंड पे वैसे ही फेंक दिया जलता हुआ, ठीक है, बगल में या आसपास कहीं भी हैज़ार्डियस मटेरियल रखा हुआ है, फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से आग लगना शुरू हो गई, तो वो क्या बन गया, एक्ट, कंडीशन आपने क्रिएट की, एक्ट बन गया वो। तो अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट यही होता है। जैसे कि कोई पानी पी रहा है और उसने फ्लोर पे गिरा दिया, वर्किंग चल रही है, वहाँ से कोई वर्कर आया और वो फिसल गया, क्या हुआ, अनसेफ एक्ट किसने बनाया, जो पानी पी रहा था, सॉरी अनसेफ कंडीशन किसने बनाई, जो पानी पी रहा था उसने पानी गिराया और जो पर्सन फिसल गया, तो क्या हुआ, ये एक्ट हो गया क्योंकि वो गिर गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट में आते हैं। तो हमें अपनी साइट को, अपने एक्सकवेशन वर्क करते समय पर इन चीज़ों से भी खुद को बचाना है कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स ना होने पाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई आपको कि हमें एक्सेस तो बनानी है, हमने एक्सेस के लिए जितनी भी तैयारी की है, जितने भी सारे प्लान्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम एक्सेस, सेफ एक्सेस अपनी जनरेट करें, बनाएं, ताकि किसी को भी एक्सीडेंट से सामना ना करना पड़े। साथ ही हम उसके साथ चेक भी करते रहें कि हमें जो भी इंस्पेक्शन किए गए हैं रेगुलर बेसिस पे, जो भी हज़ारी सिचुएशन सामने आई हैं उन पे भी वर्क करें, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार सामने ना आने पाए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको सेफ एक्सेस बताया एक्सकवेशन पे, एक्सकवेशन सेफ एक्सेस। सो थैंक यू।